छात्राएं मौजूद हैं उनको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ललित मेरे छोटे भाई की तरह है और मैं इसको काफी समय से देख रहा हूं, वाच कर रहा हूं। ये इसके परिश्रम का नतीजा है और मैंने देखा सामाजिक क्षेत्र में और शराब जैसी नशे जैसी कुरीति के खिलाफ और लंबे समय से ये जन जागरण का अभियान चला रहे हैं, जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। और निश्चित तौर पर आज पहाड़ के अंदर अगर हम इस प्रथा को रोकने का प्रयास करें तो मैं समझता हूं कि आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। जहां तक निवी मेरा निवेदन भी है, थोड़ा सो ध्यान देने की जरूरत हम पहाड़ के लोगों को। मैं अक्सर अब राजनीतिक क्षेत्र में होने के नाते मेरे पास कार्ड बहुत आते हैं शादी के, और उन कार्डों में कई बार चिप लग रहे थे कि आप कॉकटेल में भी आमंत्रित हैं, कॉकटेल में भी आमंत्रित हैं। बात यहां तक पहुंच गई कि लोग निमंत्रण लिखित में देने लग गए और घरों में बाप और बेटा बैठ के पीने लग गए। क्यों सर? और अब धीरे धीरे महिलाओं की भी चर्चा होने लगी। तो देवभूमि है, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि पूरी दुनिया में हम विशिष्ट स्थान के लोग, हमारा विशिष्ट स्थान है। और मैं अक्सर लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं, जब शादी ब्याह होते हैं तो जिस दिन हमारा पूजन शुरू होता है दो तीन पहले शुरू हो जाता है, अब मैं देखता हूं मेहंदी की रस्म हो रही है, दिन में भजन कीर्तन माता की चौकी हो रही है और रात वहां पर दारू और मांस चल रहा है, वो भी निमंत्रण है। क्यों था? मेहंदी की रस्म के लिए लोगों को बुलाया जाता है और रात को फिर बाकी लोगों को कॉकटेल के आमंत्रित किया जाता है। हम पहाड़ के लोग जानते हैं, जब नारायण की बात करते हैं तो हम नारायण के रूप में उसको पूछते हैं। क्यों सर? नारायण के रूप में पूछते हैं। जब किसी पदों का तैयारी शुरू कराते हैं उसको लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। जिस घर में लक्ष्मी और नारायण का आह्वान हो रहा है दिन में, रात को शराब और मांस चल रहा है, तो वैवाहिक जीवन कैसे होगा आगे, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। ये बेसिक चीज, बहुत छोटी चीज। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि ललित से मेरा बहुत डिस्कशन हुआ है, इन्होंने नशे के विरुद्ध एक अभियान का जिक्र भी यहां पर किया है, लेकिन मैं बच्चों से नहीं कह रहा, मैं बड़ों से कह रहा हूं। जब बड़े ही बिगड़ गए तो बच्चों को कौन सुधारेगा? मेरे घर में 5 शादियां हुई मेरे साथ लग, 5 शादियों में कोई कॉकटेल नहीं, कोई शराब नहीं। मैंने पिलाई, मेरे पिलाई जो पहुंचे मैंने कह दिया, मैंने कहा यहां पर किसी को पीने के लिए बुलाया गया कोई पीने लगा, मैं शादी में सम्मिलित नहीं हुआ। ये आज से 20-30 साल पहले बात कर रहा हूं। मेरे भी 2 जवान बेटे, उनकी शादियां होनी है। अरे मैंने भी कसम खा रखी है किसी को शादी में ना आना, और ना आया मैं कह रहा लड़के को चलूंगा, लेकिन किसी को शराब नहीं पीऊंगा। ये बड़ों को क्या करना है? और मुर्दा घर जा रहा है, उसके बाद आके पहले वापस सब बोतलें साथ चल रही है। आप घर में शादी ब्याह कर रहे हो तो मांस और शराब साथ चल रहा है। ये जो कुरीतियां हमारे धीरे धीरे करके हमारे रोज के जो दैनिक दिनचर्या है उसमें जुड़ रही है, इसको कहीं के रोकने का प्रयास करना चाहिए। ये बड़े रोकेंगे, ये बच्चे नहीं रोक पाएंगे, ये बड़े रोकेंगे। इसलिए मेरा आग्रह है जो भी यहाँ पर गार्जियन से उम्र के लोग हैं वो इस पर पहल करें। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, मैं कह सकता हूँ अगर आपके जीवन में आगे बढ़ रहा है, 2 चीज़ें मैं अक्सर जीवन में कहता हूँ, टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ का। दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों हमको सब कुछ करना होता है, हम घंटे नहीं बढ़ा सकते, सब कुछ कर सकते हैं लेकिन 24 का 24.5 नहीं कर सकते। इसे 24 घंटे के अंदर हमको जीवन जीना होता है, और अगर पूरी लाइफ आप लगा लें तो जो कैलकुलेट करिएगा, मैं एक मैथमेटिक्स दे रहा हूँ आपको, आपकी एवरेज लाइफ अगर 70 साल आप मानते हैं, आज भी 70 साल में एक दिन में 24 घंटे होते हैं,
तो 70 साल में कितने घंटे आपको मिले इसका अनुमान लगा लीजिए, उसमें अपनी उम्र का कम कर दीजिए। अब उम्र का कम करने के बाद कितने घंटे आपके पास जीवन जीने के बचे हैं, और वो सब कुछ करने के लिए बचे जो उनकी अपेक्षा की जा रही है। अपेक्षा मेरा परिवार भी करता है, अपेक्षा मेरी सरकार भी करती है, अपेक्षा मेरा समाज भी करता है, अपेक्षा मेरा देश भी करता है, सबकी अपेक्षाएं होती है। तो उतने कम समय में हमने अपना जीवन भी जीना है, अपनों के लिए भी करना है, समाज के प्रति अपने जिम्मेदारी भी निभानी है, देश के प्रति अपना फर्ज भी अदा करना है, ये सब उस लिमिटेड समय में है। पागल लगता है। तो जो हमने लाइफ में जो चीज सेट किया, जो टाइम सेट किया है, उस पर चलने के लिए हमको सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, स्वयं का डिसिप्लिन स्वयं पर लागू होना चाहिए। महात्मा गांधी भी यही बात कहते हैं कि हम स्वयं के लिए अपने रास्ते तय करें, लेकिन अपने लिए अपने आचार से कम तय करें, अपना डिसिप्लिन भी तय करें, कोई बार बार बोलने नहीं आए। तो टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ डिसिप्लिन, ये दो चीजें किसी भी सफलता की कुंजी हो सकती है। और जहां तक समाज की मैंने बात की कि ये बड़ी बुरी थी, अब आजकल देखो ना, आजकल की स्थिति क्या हो गई, अभी तो लोग दारू तक सीमित थे, शराब तक सीमित थे, अब लोग ड्राई नशे को चल पड़े, जो बहुत ही खतरनाक, और देहरादून में तो बहुत बुरा, कोई मोहल्ला कोई गली कोई पार्क ऐसा बचा नहीं है कि जहाँ पर बच्चे काम ना करते, ये बिजनेस बना दे लोगों, व्यवसाय बना। तो मेरा आग्रह है इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उन पर ध्यान देंगे तो बेहतर होगा। यहाँ पर तमाम विधाओं में धनी लोगों को भी सम्मानित किया गया से, तो मैं इसके लिए उन सबको बधाई देता हूँ, और मैं उसके एक बार धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका दिया, सब लोगों को दर्शन करने का अवसर दिया। धन्यवाद।